अस्सलाम वालेकुम। अस्मा किचन में आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम दही का रायता बनाने का तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। ये मैंने आधा किलो के करीब मैंने दही लिया है, फ्रेश दही है। और ये पुदीना, हरी मिर्च और हरा धनिया है, ये 2 टीस्पून के करीब है। एक अदद बारीक कटा हुआ टमाटर है, एक अदद बारीक कटा हुआ प्याज है। इस प्याज को मैंने नमक डाल के अच्छे तरीके से धो के रखा है। और ये आधी टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी धुला हुआ है और भून के मैंने इसको डाला हुआ है इसमें। और आधी टी स्पून चाट मसाला है और हाफ टी स्पून थोड़ा सा है उससे कम नमक है ये। अब हम रायता शुरू करते हैं बनाने। सबसे पहले हम दही के अंदर ये चटनी जो हमने बना के रखी हुई है पुदीने की, और ये शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही अच्छा रायता तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। इसको ज़रूर ट्राई करें और बनाएं, और मेरे चैनल को रोज़ देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये मैंने चाट मसाला शामिल किया है, ये मैंने नमक, और ये मैंने भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। ये रायता इतना अच्छा बनता है, अगर आप तड़के वाले चावल भी खाली बनाएंगे ना, उसके साथ भी ये रायता खाएंगे और पेश करेंगे मेहमान, बहुत ही मज़ेदार और बहुत लजीज बनता है ये। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा रायता बनाया हुआ पसंद आएगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। असमा किचन में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।